नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। नमस्कार। जन सरोकार मंच के पटल पर अपने सभी प्रबुद्ध श्रोताओं के साथ मैं आपसे जुड़ रहा हूं। आज एक सवाल लेकर, और आप जैसा शिक्षाविद ही उस सवाल को सही रूप से समझाने में हम लोगों को तसल्ली दे सकेगा। तो सवाल यह है डॉक्टर साहब कि हर देश की अपनी एक संस्कृति होती आई है और उसी से उस देश का आचरण अपना रूप गढ़ता रहा है, चाहे वो आस्थाएं हो, चाहे मिथ हो और फिर जीवन शैली। लेकिन जब से हमारे बीच विज्ञान और तकनीक ने अपना एक असर दिखाया है और हम तार्किक हो गए हैं, तो एक आचरण बन गया है कि हम तर्कसंगत भी हो गए। तो हमारे जो सांस्कृतिक मूल चले आ रहे हैं उसमें ये जो तकनीकी चीज सामने आ गई है और अपने उसका अपना बड़ा प्रभाव है, हम उसको नकार नहीं सकते, लेकिन वो प्रभाव हमारे संस्कृति के गठन में या उसके रूपायन में किस तरह से अपना हस्तक्षेप कर रहा है, या क्या किस तरह की हमारी आस्थाओं को डेवलप कर रहा है, हमारी वैचारिकता को बदलाव में ला रहा है, ये एक ऐसा विषय है कि इस पर आप ही बात कर सकते हैं। और आप भी एक, जिसे कहना चाहिए कि मुझे विश्वास है कि श्रोता भी बहुत लाभान्वित होंगे इस बात को सहजता से समझते हुए। तो मैं गर्ग साहब आपसे आग्रह करता हूं कि इस विषय पर आज आप अपनी बात कहें। श्रीमान अशोक सक्सेना साहब और देवेंद्र जी जोशी और समस्त श्रोतागण, सबका अभिवादन करते हुए आपने मैं जो प्रश्न पूछा है वो बहुत ही अच्छी शब्दावली में, जिससे कि सारी चीजें स्पष्ट हो गई। तकनीक और वैचारिकता, आपने दो शब्द इस्तेमाल किए, तो आज उसी पे बात करते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा है, इस बात पर बड़ा जोर दिया है कि वैचारिकता जो है उससे तकनीक पैदा नहीं होती, तकनीक से वैचारिकता पैदा होती है। यानी जीवन की स्थितियां वो तकनीक से जुड़ी हुई हैं, तो जीवन की स्थितियां, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा सराउंडिंग्स, वातावरण, परिस्थितियां, वो सब हमारी चेतना का निर्माण करती है। चेतना इन चीजों का निर्माण नहीं करती जैसा कि जनरली प्राय समझा जाता है, चेतना इनका प्रोडक्ट है, इनका चेत इनसे इनकी उपज है चेतना। जैसे मैं आप अभी दो तीन आप उदाहरण देता हूँ। जैसे आप समझिए 150-200 साल पहले जाएं हम, तो कोई भी शहर ले लीजिए, शहर तो थे, इतने बड़े नहीं थे, छोटे छोटे शहर थे, उनमें परकोटे होते थे और परकोटों में दरवाजे लगे होते थे। शाम के वक्त दरवाजे बंद कर दिए जाते थे, रात भर बंद रहते थे, सुबह खुलते थे, क्योंकि शहर के चारों तरफ जंगल हुआ करते थे। और जंगलों में न केवल खतरनाक जानवर बल्कि चोर, डाकू, लुटेरे, क्रिमिनल्स, वो भी रहते थे। तो अब जैसे कल्पना करें हम कि जयपुर शहर में कोई परिवार है,
उसमें कोई महिला है और उसके माता पिता का जो गांव है वो दूर है, दूर का मतलब सांगानेर है, अब तो सांगानेर और जयपुर मिल गए, और बीच में जंगल है। अब क्या है कि उसके पिताजी बीमार हैं तो वो महिला सांगानेर जाना चाहती है, तो अब वो स्वयं इंडिपेंडेंटली तो जा नहीं सकती क्योंकि जंगल है बीच में और आवागमन के साधन भी ज्यादा नहीं है, सड़कें भी नहीं हैं, तार टेलीफोन कुछ भी नहीं, तो उस खतरे में वो अकेली तो जाएगी नहीं। अब अपने घर में ही वो कहेगी लोगों से, पति से, देवर से, जेठ से, ससुर से, कि भाई मुझे सांगानेर पहुंचा दीजिए। तो वो अगर उनका मूड हुआ तो वो दो तीन लोग तैयार हो जाएंगे, बैलगाड़ी में बैठ करके सांगानेर जाएंगे। सो उसमें भी सुबह से शाम तक का टाइम लग जाएगा, बैलगाड़ी से सांगानेर जाने में दिन भर दो चार घंटे तो लग ही जाते, तो वहां वो उनको छोड़ के आ जाएगा। और फिर जब उसको 10-15 दिन बाद जब वापिस लौटेगी तो भी वो अपने भाइयों से कहेगी तो भाई भी उसको वापिस जयपुर अपने घर में छोड़ जाएंगे। तो वो पूरी तरह पुरुषों पर निर्भर है, और शहर में बिजली भी नहीं है, बिजली उस समय थी नहीं, तो शाम होते ही वहां भी घर में घुस के ही बैठे रहो और अपने दीपक जला के जो घर का काम है वो करते रहो। तो ऐसी परिस्थिति में जो चेतना हमारी है वो नारी और पुरुष के समानाधिकार या फेमिनिस्ट आंदोलन या नारी स्वतंत्रता, आत्मनिर्भर नारी, एम्पावरमेंट ऑफ वीमन, ये वाली चेतना, ये वाली वैचारिकता विकसित ही नहीं हो सकती थी उन परिस्थितियों में। ये चेतना कब विकसित हुई? आज जब कोई भी हमारे घर की कोई लड़की स्कॉलरशिप मिल गई जर्मनी की, जा सकती है अकेली, वहाँ हवाई जहाज में बैठ के सब पहले यहीं से सब तय हो जाता है और वहाँ अपना साल भर का 2 साल का जो कोर्स किया और अकेली आ सकती। तो अब वो जो ऐसी ऐसे ही वातावरण में, ऐसी सराउंडिंग में ये चेतना पैदा होगी कि भाई नारी और पुरुष में भेद कहाँ है, एक को इन्फीरियर क्यों माना जाता है, एक को आश्रित क्यों माना जाता है, ये चेतना कब विकसित होगी? जब आज वाली स्थितियां पैदा होंगी, उसके पहले ये नहीं होगा। इसलिए हमारी चेतना हमारे जीवन की स्थितियां बनाती है, उन्हीं की प्रोडक्ट है। जैसे दास प्रथा ही लीजिए, मध्य युग में और प्राचीन युग में दास प्रथा सारे संसार में थी, दासों की बोलियां लगती थी, दास खरीदे जाते थे, उनकी शारीरिक क्षमता देख करके कीमत तय होती थी। ये दास जो है किस काम आते थे? ये भारी भरकम काम करने में काम आते थे, हजारों की संख्या में सम्राट लोग दास रखते थे, अन्यथा ये जो आपके पिरामिड हैं, ये चीन की दीवार है, ये बड़े बड़े भवन हैं, किले हैं, ये कैसे बन सकते थे? पत्थरों को, भारी पत्थरों को घसीट के ऊपर कौन ले जाता? ये भारी भरकम काम, अरुचिपूर्ण काम ये दासों से कराए जाते थे। अब तो उस समय के जो विचारक हैं, बड़े बड़े यूनानी, एरिस्टोटल, प्लेटो, जो दुनिया भर के जो मानव संबंधी जो है ना विचार उन्होंने खूब किए, लेकिन उनके मन में ये कभी भी कहीं नहीं आया कि दास प्रथा अमानवीय है, मनुष्य को खरीदा जाना, बेचा जाना अमानवीय काम है। ये उनके कहीं लेखन में नहीं आया, न किसी भी देश में कहीं भी किसी विद्वान ने ऐसा नहीं लिखा। क्यों? कि दासों से ही ये सारे काम होते थे और ये आवागमन है, अब तो ट्रक में भारी भारी चीजें रख के आप एक जगह दूसरी जगह ले जाओ, पहाड़ों पर चढ़ा दो,
ट्रैक्टर से खेती कर लो, लेकिन जब ये नहीं था तो ये काम दासों से कराया जाता था। अब मानवीय अधिकारों की जो बात है, समानता की जो बात है, वो टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन की परिस्थितियों को ऐसा बदल दिया है कि बटन दबाते ही आपके खेतों की सिंचाई हो जाएगी। अब ट्रकों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के भारी सामान ले जाया जाएगा, जमीन खोदने की मशीनें हैं। तो ये सारे ऐसे काम हैं जो अब हैवी मशीन्स ने ले लिए और वो टेक्नोलॉजी ने हमको दी हैं। तो अब दास प्रथा की जरूरत ही नहीं है। तो अब हमारे आज के 20वीं सदी के जो विचारक हैं, दार्शनिक हैं, उनकी उनकी चेतना में ये बात सारी दुनिया में आई कि भाई दास प्रथा तो ये नहीं, नहीं है तो बहुत गलत चीज है, अमानवीय कार्य है। तो हमारी संस्कृति, हमारी विचारधारा, हमारी वैचारिकता, आपने जो वैचारिकता का इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा शब्द है। तो ये हमारी वैचारिकता किसने तय की? टेक्नोलॉजी द्वारा जीवन की परिस्थितियां बदलने से वैचारिकता हमारी बदल गई, न कि वैचारिकता से कुछ होता। वैचारिकता पैदा ही नहीं होती अगर दूसरी परिस्थितियां होती तो। देखिए, जैसे मैं मेरे ही गांव की बात बताऊं, एक और उदाहरण दूं। वहां पर पहले हमारे गांव के चारों तरफ बड़े बड़े तालाब हैं जिनमें घाट बने हुए हैं, और हमारे बचपन में हम वहीं पे नहाया करते थे, तैरा करते थे, वहीं कपड़े धोते थे, और सारे गांव के लोग तालाबों पे इकट्ठे हो जाते थे सुबह नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए। स्त्रियों के लिए अलग घाट होते थे दूर, तो वो सारी स्त्रियां भी अपने कपड़े वगैरह वो वही तालाब पे जाती थी। गांव भर में कुएं होते थे जिनसे पानी घर ले जाया जाता था। तो ये काम भी ज्यादातर स्त्रियां ही करती थी, कुओं से पानी निकाल के घर ले जाने का। तो पनघट हमेशा भरा रहता था महिलाओं से, तालाब भरे रहते थे हम सब लोगों से, और दुनिया भर की चर्चाएं होती थी सारे गांव की। जब बैठे होते हैं तालाब पर या कुएं के चारों तरफ पनघट पर, जब महिलाएं इकट्ठी हैं, तो फिर सारी गपशप चलती है, और हर घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस घर में क्या समस्या है, किसकी बेटी ससुराल गई, किसकी बेटी पीहर वापस आ गई, किसके जो है ससुर जी नाराज हो गए, किसके जो है देवर झगड़े करता है, ये सारी जो घरों की राजनीति है वो कुओं पे तय होती थी। और सारा गांव जो है एक परिवार की तरह होता था, जहाँ कुछ भी गोपनीय नहीं है, कुछ भी ये नहीं है कि साहब ये तो मेरा प्राइवेट व्यक्तिगत मामला है, आप कौन होते हो इसमें बोलने वाले, ये बात थी ही नहीं। क्योंकि वहां तो सुबह शाम कुओं पे झुंड है, तालाबों पे झुंड है। फिर करीब 1970 के आसपास हमारे गांव में नल लग गए और बिजली भी आ गई। तो जब घर घर में नल लग गए तो आप देखिए कि तालाब सूने हो गए, कुएं सूने हो गए, कोई कुएं पे जाता ही नहीं था, कोई महिला वहां नहीं जाती थी। तो चर्चाएं बंद हो गई, सब कुछ मतलब ये हो गया कि भाई मेरा व्यक्तिगत मामला है, कुछ पता ही नहीं रहा कि किसके घर में क्या हो रहा है। और पहले तो ये भी था कि मान लो किसी घर में कोई अच्छी बुरी बात हो रही है, कोई अपने माता पिता की ठीक तरीके से देखभाल नहीं कर रहा है, तो जनमत का प्रभाव, जनमत होता था, लोकमत होता था, सबको मालूम होता था, और वो उसको कहते सुनते थे, तो उस लोकमत से भी प्रभाव पड़ जाता था। तो जब ये नल और बिजली हमारे यहाँ आ गए तो अब स्थितियां बदल गई। अब मैं जाता हूं गांव तो शहर की तरह ही वहां है कि बराबर के घर में क्या है क्या नहीं है हमें कोई पता नहीं चलता,
कौन किसके घर में क्या समस्या आ गई, कौन बीमार हो गया, कुछ पता नहीं। और आप किसी को सलाह मशविरा भी नहीं दे सकते, दूसरा आदमी कह देगा मेरा व्यक्तिगत मामला है, आप कौन हैं, आप क्यों बोल रहे हैं, मैं तो आपकी घर के बारे में नहीं बोलता, फिर आप क्यों बोल रहे हैं। तो ये सारी जो परिवर्तन आया, अब कुछ लोग ये मान लीजिए ऐसा भी कहते हैं, पुराने बुढ़े लोग गांव में, कि देखो भाई क्या जमाना आ गया, कोई किसी से बात ही नहीं करता, कोई सुख दुख में कोई हमदर्दी वाली बात ही नहीं है, बीमार हो जाओ तो कोई खैर खबर लेने वाला आता ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि कुछ विचारक ये कहते हैं कि सारे साहब ये पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव पड़ गया हमारे ऊपर, हमारी संस्कृति पर। लेकिन अब उन्हें ये पता होना चाहिए कि पश्चिम में भी 100 साल 150 200 साल पहले वैसा ही सामूहिकता वाला जीवन था जैसा हमारे यहाँ था, और अब वैसे व्यक्तिवाद वहां भी आ गया, हमारे यहाँ भी आ गया। तो ये कोई सभ्यताओं के प्रभाव से नहीं आया, ये टेक्नोलॉजी ने जो जीवन को बदल दिया, जीवन शैली को बदल दिया, तो फिर हमारी वैचारिकता भी दूसरी हो गई। ये इस तरह से ये जो वैचारिकता है, हमारी चेतना है, ये तकनीक तय करती है। क्योंकि प्रारंभिक जो प्रिमिटिव आदमी था, तो तब भी आप देखिए कि जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, पहाड़ों पर रहते थे, 100 100 150 150 आदमियों के कबीले होते थे, क्योंकि इतने आदमियों की जरूरत भी थी शिकार के लिए भी और सुरक्षा के लिए भी। बड़े कोई शिकार करेंगे जानवर का, चारों तरफ से उसको घेरेंगे, अच्छा हथियार भी नहीं थे तो नुकीले पत्थरों से ही उसको मारेंगे या काटेंगे, तो 150 आदमियों की जरूरत तो होती ही थी, नहीं तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो वो एक कबीला हमारा या परिवार 100 150 लोगों का होता था। फिर जब धातु वगैरह का आविष्कार हो गया और धनुष बाण बन गए, धनुष तीर छोड़ना, तो अब जानवरों को घेर करके और फिर पत्थरों से मारना ये नहीं हुआ, तीरों से हो गया, तीर से आपने शिकार कर लिया। तो वो जो कबीले थे, परिवार थे, वो छोटे हो गए, अब 100 150 के नहीं, अब 40 50 लोगों का झुंड ही एक साथ रहता था। फिर क्या हुआ कि पशुपालन अवस्था में जैसे ऊंट है, हाथी है, घोड़े हैं, यही आवागमन के साधन थे। पहिए का आविष्कार होने के बाद तो आई बैलगाड़ी, तो उसके पहले बैलगाड़ी भी नहीं थी। तो इन साधनों, जब हम पशुपालन अवस्था में थे तो हमारी संपत्ति भी पशु ही होती थे, किस आदमी के पास कितनी गायें हैं, उससे वो तय होता था कि कितना गरीब या धनवान है। शत गो सहस्र गो, यानी वो साहब उसके पास 100 गायें हैं, अच्छा ठीक ठाक आदमी है, सहस्त्र गो उसके पास 1000 गायें हैं, वो तो बहुत धनवान है। तो पशुओं से ही हमारी संपत्ति, समाज में हमको विशिष्टता प्राप्त होती थी। और जब इतने पशु होंगे तो हम जिधर हरी घास चरागाह होंगे उधर हम चले जाएंगे, फिर वहां से सारी हरियाली खत्म हुई तो आगे किसी दूसरी जगह जाएंगे जहाँ हरी घास सब भी है, चरागाह है, मैदान है। तो आदमी घुमंतु था, घूमता था, परिवार कबीले झुंड जो है घूमा करते थे, एक जगह कभी रुक करके नहीं रहे। तो फिर जब टेक्निक और बढ़ी और हमने कृषि सीख ली, खेती करना सीख लिया, तो खेती तो साहब क्या है कि 6 महीने में फसल होती है, कट के आएगी। तो अब लोग बाग एक जगह रहने लगे, क्योंकि फसल तो 6 महीने या दूसरी फसल साल भर में इस तरह से आएगी। तो गांव बने, फिर झोंपड़ियां बनी, और जब गांव बने तो कुछ कायदे कानून, कोई
प्रशासन पंचायत जैसा कोई सिस्टम वो बना, तो ये हमारा जीवन स्थायी हो गया, एक जगह रहने का हो गया। फिर और आवागमन के साधन बढ़े तो थोड़े 10-5 गांव मिलकर के अपना अपनी व्यवस्था करने लगे, तो जब 10-5 गांव मिलकर के करने लगे तो छोटा मोटा राज्य हो गया, तो राजा भी हो गए। अब राजा हो गए तो एक जो है पुरोहित और मंत्री वगैरह ये भी हो गए। ये राज्य आपस में लगातार युद्ध करते रहते थे। फिर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, मशीनें हो गई, हैवी मशीन्स हो गई, उत्पादन बढ़ गया। लेकिन एक बड़ा परिवर्तन ये आया कि पहले हम घर पर ही हमारा सारा निर्माण कार्य बनाते थे, जैसे जुलाहा है तो घर पे ही वो अपने बुनता था कपड़े, पिनारा है तो घर पे ही वो रुई कपास को धुनता था, खाती है कारपेंटर है तो घर पे ही लकड़ी का वो अपना हथौड़े बसेले वगैरह से वो करता था काम। तो इस तरह से जो है कोई लोहार है तो अपने घर पे ही वो लोहा पीट लेता था, कुम्हार है तो घर पर ही काली मिट्टी लाके बर्तन बना के उनको पका के अपना बिजनेस कर लेता था। तो घर घर में काम होता था, तो जब घर में जीविका उपार्जन का काम होगा तो जितने आदमी होंगे परिवार में उतना अच्छा रहेगा, उतना ही काम ज्यादा होगा। तो परिवार अब भी बड़े होते थे, कई कई पीढ़ियों के भाई भतीजे चाचा ताऊ एक जगह सब रहते थे, कोई किसी तरह का ये नहीं था कि साहब ये मेरा वो सगा है और ये, तो इस तरह से बड़े परिवार हुआ करते थे। फिर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गई, औद्योगिक क्रांति हो गई, तो ये घरों पे काम करना तो हो गया बंद, और फिर कारखानों में लोग जाने लगे काम करने, बड़े बड़े कारखाने हो गए। कारखाने बड़े शहरों में होते हैं तो गांव के लोग भी शहरों में जाने लगे, तो उससे हमारे सांस्कृतिक परिवर्तन आ गया, सामाजिक परिवर्तन आ गया, हमारी वैचारिकता में परिवर्तन आ गया। अब परिवार छोटे हो गए, क्योंकि जब आप अलग अलग काम कर रहे हो कारखानों में जा रहे हो तो फिर अब जरूरत नहीं है कि 20-30-40 आदमी घर में हो, परिवार बहुत छोटे हो गए। लेकिन अब भी थोड़े बहुत संयुक्त परिवार थे, कम से कम भाई वगैरह और उनके परिवार तो साथ रहते ही थे, माता पिता भी। तो इस तरह से जब तकनीकी ने हमारी जीवन की परिस्थितियों को बदला तो हमारे हमारी विचारधारा, हमारी आइडियोलॉजी, हमारे थॉट्स, हमारी चेतना बदलती चली गई, और परिवार भी देखिए छोटे होते गए। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन और बढ़ गया तो परिवार कैसे हो गए, एक बायोलॉजिकल यूनिट कि भाई मेल फीमेल यानी हस्बैंड वाइफ और उनके 1-2-3-4 बच्चे, ये परिवार की परिभाषा हो गई। तो अब ये न्यूक्लियर फैमिली वाली बात आ गई। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले जब खेती और घरों में काम धंधा होता था तब ये कल्पना भी नहीं आ सकती थी कि हम दो हमारे दो वाला परिवार होना चाहिए, आ ही नहीं सकती थी, संभव ही नहीं था, मन में भी नहीं आती थी ये बात। वो तो मन में आए तो आदमी सोचे भी, लेकिन मन में भी नहीं आती थी। परिवार बड़े ही थे तो पारिवारिक जीवन हमारा बदला, तो न केवल पारिवारिक जीवन बदला बल्कि हमारा सामाजिक जो है सांस्कृतिक आर्थिक सारा ही जीवन बदलता चला गया तकनीक के कारण। तकनीक ने हमको सामूहिकता को शुरू से ही, जब आदमी जंगल में रहता था और पत्थरों से शिकार करता था तब से लेकर आज तक तकनीक विकसित होती जा रही है और हमारा जो हमारी सामूहिकता कम होती जा रही है, व्यक्तिवाद आ गया है, तो ये सब तकनीक से हुआ।
बड़े बड़े फिर साम्राज्य बन गए, बड़े देश बन गए। अब जब देश बन गए तो देशों में फिर युद्ध होने लगे। पहले तो गांवों में युद्ध होते थे, दो गांव लड़ लेते थे आपस में, फिर राज्य लड़ लेते थे, लेकिन अब देश लड़ रहे हैं। तो विश्व युद्ध होने लगे। एक एक विचारक कह रहे थे कि भाई तीसरा विश्व युद्ध तो परमाणु हथियारों से हो जाएगा, लेकिन चौथा विश्व युद्ध तो फिर बैलगाड़ियों से होगा, क्योंकि सभ्यता संस्कृति खत्म हो जाएगी, विज्ञान खत्म हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में आया कि चौथा विश्व युद्ध तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध में अगर सब कुछ नष्ट हो गया, आदमी फिर प्रिमिटिव हो गया, आदमी फिर सारी विज्ञान और तकनीक को भूल गया, तो फिर वो आवागमन के साधन और संचार के साधन और टेलीफोन और तार और रेडियो और टीवी ये तो सब होंगे नहीं, देश भी नहीं होंगे, छोटे छोटे समूह हो जाएंगे, छोटे छोटे राज्य हो जाएंगे, तो विश्व युद्ध कैसे होगा उनमें? तो बिना आधुनिक तकनीक के विश्व युद्ध की बात करना निरर्थक है, ये कहने का मतलब ये है। अब देखिए, और ज्यादा डेवलपमेंट हो गया, तो अब हम लोकल से ग्लोबल हो गए। पहले हर इलाके में, हर मतलब क्षेत्र में अलग तरह की वेशभूषा होती थी। अब आप देखिए कि पूरी धरती पर सारे देशों में वही एक ही ड्रेस हो गई। वो हमारी सारी अलग अलग तरह की पगड़ियां, अलग तरह के साफे, अलग तरह की धोतियां और पाजामे, चादरें, वो सारे कहाँ गए? एक ही तरह की वेशभूषा सारी पृथ्वी पर हो गई। खाद्य पदार्थ, पहले ये था कि भाई फलां जगह की ये चीज मशहूर है, और वहां पर दूसरे 10-20 कोस दूर चले जाओ तो वहां ये चीज अच्छी बनती है। वहां के लोग बाजरा खाते हैं, इधर के लोग ज्वार खाते हैं, यहाँ गेहूं ज्यादा खाया जाता है, इधर चावल ज्यादा खाया जाता है। अब हम देखते हैं कि सारी सारी दुनिया में, भारत में आप कहीं भी चले जाइए, वैसे ही रीति रिवाज, वैसे ही शादी ब्याह, वैसे ही खान पान, वैसे ही वेशभूषा, कोई फर्क नहीं मालूम पड़ता। और जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं थी वो भी बोलियां जो थी, डायलेक्ट थे, हर एक हम कहा करते थे कि हर 12 कोस पर भाषा बदल जाती है। तो हम तो पहले यह भी बता सकते थे लोकल लैंग्वेज में, तो आंचलिक भाषाओं में, कि ये आदमी टोंक का है या सवाई माधोपुर का है या कोटा का है या शेखावाटी का है, बता सकते थे। लेकिन अगर सब लोग हिंदी बोल रहे हैं, खड़ी बोली बोल रहे हैं, भाषा एक होती जा रही है, तो फिर कैसे पता चले? भाषा से भी नहीं, वेशभूषा से भी पता नहीं चलता। तो वो जो कुछ भी लोकल हुआ करता था, अब वो ग्लोबल हो गया। तो हमारी वैचारिकता भी ग्लोबल हो गई है। और एक तरह का, अब आप देखिए जो साहित्य आ रहा है साहब, ये कुंठाओं का संतरास, अकेलेपन के जो ये कविता है, मीनिंगलेसनेस, निरर्थकता वगैरह वगैरह साहित्य में, ये पहले के साहित्य में तो नहीं थी, आज के साहित्य में ही ये मीनिंगलेसनेस, निरर्थकता, संतरास और कुंठा कहाँ से आई? क्योंकि अब हम कम्युनिटी में नहीं रहते, समुदाय में नहीं रहते, हमारी सामूहिकता नहीं है, अकेले पड़ गए। और परिवार में भी हम अकेले ही हैं, मान लीजिए हम दो, हमारे दो का परिवार है, फिर भी बेटा खाने की मेज पे बैठा है और अमेरिका में अपने फ्रेंड से बात कर रहा है, लेकिन अपने पिता से बात करने का टाइम नहीं है उसके पास, माँ से बात करने का टाइम नहीं है। तो आदमी कितना ही छोटा घर हो, कितना ही व्यक्तिवाद आ गया हो, वो उसमें भी अकेला हो गया। तो हमारी पुरानी जो परंपरा, रीति रिवाज, जो विवाह वगैरह, ये सारी बातें थी, ये सब चीजें अब आउटडेटेड हो गई हैं। तो इसलिए हमारे विचारधारा में परिवर्तन आ गया। तो इसलिए मार्क्स ने ये कहा कि जो वैचारिकता है, विचारधारा है, आइडिया है, थॉट है, ये टेक्निक तय करती है, जीवन की परिस्थितियां तय करती है, न कि हमारी चेतना जीवन की परिस्थितियां तय करती है।
जीवन की परिस्थितियां तो जो टेक्निक है वो बदल देती है, तो हमारी विचारधारा बदल जाती है। आज का जो विषय था वो मैं यही डॉक्टर साहब विषय ये था। कह रहा था, जी क्या ऐसा भी सोच सकते हैं कि इस तकनीक ने हमारी जो अपनी लोक अभिव्यक्ति है, लोक कलाएं हैं, उनको भी जी अपने दायरे में ले लिया है? हाँ, बिल्कुल। इस संबंध में कुछ कहें आप। इस संबंध में तो अब यही है कि जैसे मान लीजिए डायलेक्ट, आंचलिक जो बोलियां हैं वही अगर खत्म हो रही है सारी दुनिया में, जो आंचलिक बोलियां हैं सब जगह, भारत में ही नहीं, सब जगह, अब उनको बोलने वाले कम होते जा रहे हैं, वो बोलने वाले रहे ही नहीं। और जो बड़ी भाषाएं हैं उनमें बोलते हैं वो, तो अब मान लीजिए लोकगीत हैं, जो महिलाएं पहले स्वयं ही लोकगीतों की रचना करती थी और जीवन के विभिन्न अवसरों पर वो लोकगीत सुनते सुनाते थे, अब जब भाषा को समझने वाले और बोलने वाले नहीं हैं, वो रचनाशीलता अपने आप ही समाप्त हो गई। और अब हम देखते हैं कि शादियों में अब कि खाने पीने के अलावा ये चीज आ गया, अब ये आइटम आ गया, अब ये आइटम आ गया, कहीं कोई गीत होते हैं क्या? जो अभी 30 40 50 साल पहले तक वो गीत हुआ करते थे, तो वैसे ही जो लोक कलाएं हैं वहां पर ऐसे मटके बनते हैं, ऐसे घड़े बनते हैं, उस तरफ जो है ऐसे बर्तन बनते हैं पीतल के, उनमें ये नक्काशी होती है, मकानों के निर्माण में भी पहले अलग अलग तरह का वो सब कुछ था क्षेत्र के अनुसार। तो अब तो जो लोकल वैरायटी है उसका स्थान ग्लोबल यूनिफॉर्मिटी ने ले लिया है और धीरे धीरे और ले लेगी, तो इसलिए ऐसा लगता तो नहीं है। अब उनको लोक कलाओं की हम रक्षा तो उसी रूप में कर सकते हैं कि भाई कोई संरक्षण उनको दिया जाए, सरकारी फंड आए, और कोई वैसे ही बचा सकते हैं जैसे म्यूजियम में किसी चीज को बचाया जाता है, अन्यथा वैसे अब ये संभव कम ही है कि ये आंचलिकता बनी रहेगी और लोकल कलाएं बनी रहेगी। डॉक्टर साहब, मुझे तो लगता है मानवता भी म्यूजियम में रखे जाने वाली चीज हो जाएगी। तो हमारे जो पहले के जो मानव मूल्य थे, सामाजिक मूल्य थे, अब वो हाँ, तो समाप्त हो रहे हैं ना, वो हो रहे तो हैं, हो ही गए काफी। बिल्कुल हाँ, सही कह रहे हैं। हर युग में जो जो कुछ चीजें सर्वाइवल के लिए चाहिए, आजकल तो कंपिटिटिव सोसाइटी हो गया, हर व्यक्ति कंपिटिटर है एक दूसरे का, सब एक दूसरे से आगे बढ़ जाना चाहते हैं, तो वो जो सहयोग और कोऑपरेशन वाली जो बात है सबको साथ लेके डॉक्टर चलने की, साहब, वो अपने आप समस्या ही। तो यह, डॉक्टर साहब, समस्या ये है, तकनीक जी का आना भी जरूरी है, लेकिन हाँ संस्कृति को बचाए रखने भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ ये उसके तो बिना है तो हम, बिल्कुल उसके बिना तो हमारा अपनापन कुछ रहेगा ही नहीं ना। नहीं रहेगा। हाँ, ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन जैसे संस्कृति क्या है कि एक गतिशील चीज है, जी, ये युगानुसार धीरे धीरे अपने आप ही बदलती चली जाती है। जैसे कोई बड़ा वटवृक्ष है, तो वटवृक्ष तो सैकड़ों साल तक वही बना रहेगा, लेकिन उसके जो पत्ते हैं हर साल पतझड़ में झड़ जाएंगे, नए पत्ते आएंगे, फिर अगली पतझड़ में झड़ जाएंगे, फिर नए पत्ते आएंगे, तो बरगद तो वही है लेकिन वो अपना नवीनीकरण करता रहता है। वैसे ही संस्कृति भी एक डायनामिक, एक गतिशील बात है, तो स्थिरता उसमें नहीं है, और जब तकनीक बदलती है तो हम उसको रोक ही नहीं सकते, जीवन की वैचारिकी को और जीवन पद्धति को बदलने से रोका ही नहीं जा सकता नई तकनीक आने पर, है ना। अब जैसे पहले टेलीफोन थे, घरों में किसी किसी के हुआ करते थे,
अब हर एक की जेब में है, अब वो जेब में लिए फिरता है, वो तो ट्रेन में बैठा यात्रा कर रहा है, टेलीफोन से वो बात कर रहा है अब अपने किसी मित्र से, अमेरिका में बैठा है वो, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, शक्ल भी दिख रही है। तो अब जैसे पहले पत्र लिखा करते थे, बड़े लंबे चौड़े 10-10 पेज के पत्र लिखा करते थे हम, अपनी भावनाएं उड़ेलते थे, तो अब वो पत्र लेखन वाली बात संस्कृति से गायब हो गई। तो क्योंकि बातें ही दिन भर खूब कर सकते हैं, तो इस तरह से वो अब ये परिवर्तन आ ही जाते हैं, इनको रोकना बहुत मुश्किल है। और इसलिए संस्कृति को वैसे का वैसा बचा के रखना, तो वो एक जैसे टीएस एलियट ने कहा है कि पेड़ से जड़े हुए पत्तों को वापस पेड़ पे चिपकाना फेविकोल से या गोंद से, वो हो गया, वो झड़ गए, अब नए पत्ते आएंगे, और हमारा इसमें कोई वश नहीं है। अब जैसा मैंने अभी बताया कि भाई जो घुटन, संतरास, कुंठा, अकेलापन हमारे जीवन में आ गया है, अब उसको तो भोगना पड़ेगा। अब जो फिर संस्कृति अपना नया रूप ले लेती है, अब एक प्रतिद्वंदिता वाली संस्कृति आ गई है, और भाई व्यक्तिवाद आ गया है कि भाई मेरे मामले में आप कैसे बोल रहे हो, तो ये आ गई, आ गया है तो आ गया है। अब ये तो सामूहिकता तो वैसी तो आएगी नहीं कि जैसे हम तालाबों में और कुओं में पहले सारा गांव इकट्ठा रहता था, वो चीज तो आएगी नहीं। जैसे पहले यूरोप में भी क्या था कि पूरे गांव में किसी आदमी की मृत्यु हुई तो चर्च में घंटियां बज जाती थी, सारा गांव इकट्ठा हो जाता था। अब घंटियां कहाँ बजाओगे आप, बड़े शहर में कौन सुनेगा आवाज घंटियों की, तो वहां भी वो सारे सब चीजें आ गई है। तो इसलिए ये तो इसका कुछ है नहीं कि कैसा कुछ किया जा सकता है। लोग संगठन बनाते हैं, संस्थाएं बनाते हैं, मिलते जुलते हैं, कभी दिवाली मिलन के, कभी जो है ना होली मिलन का, वो करते रहते हैं मोहल्ले के लोग, कॉलोनी के लोग। लेकिन मैंने कई बार देखा कि इकट्ठे हो गए होली मिलन को 100-150 आदमी पार्क में इकट्ठे हो गए, और एक दूसरे को खड़े होकर परिचय दे रहे हैं कि मेरा नाम ये है और मेरा मकान नंबर ये है, और तब पता चलता है कि अरे आपका मकान नंबर वहां उस, हाँ लेकिन गज साहब, तो उल्लास उल्लास तो खत्म हो गया ना उस मिलन में। उल्लास उस मिलन में उल्लास नहीं है, स्टेटस पर से परिचय हो रहा है, हाँ वो सिर्फ नाम, भाई ये माथुर या साहब प्रो हैं, ये अग्रवाल साहब हैं, ये हाँ ये शर्मा साहब प्रोफेसर हैं, हैं, ये डॉक्टर साहब हैं, ये वकील साहब हैं, या कोई बस। व्यापारी है, तो स्टेटस का परिचय हो रहा है। बाकी जो झंडा बर्दारी कर रहे हैं वो तो आपको भ्रमित ही कर रहे हैं संरक्षण के नाम पे। हाँ वो, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तो उस लेकिन भ्रम फिर से भी तो आदमी, हाँ बचना लोग, ही चाहिए। कम से हाँ कम कुछ छद्म से हाँ बचते हुए हम जो बचा सकते हैं अपने व्यक्तिगत लेवल पर ही बचा सकते हैं। हाँ जैसे संस्थाओं से आप ज्यादा से ज्यादा संस्थाएं बना सकते हैं, उनमें लोगों को इकट्ठा होने का, बातचीत करने का रख सकते हैं, ये सब चीजें तो की जा सकती है। पर वो अब वो जीवन की आवश्यकताएं नहीं रही, अब सही कह वो क्या रहे है कि ऊपर से हमने वो अपनाया है, तो सही अपनाया है वो बचा के रखने के लिए, तो वो प्रयास के कारण वो है। तो इस प्रकार के प्रयास तो खैर किए जाते रहने चाहिए। ठीक है। जी अच्छा राघव साहब, आज की शाम नमस्कार। महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत के संदर्भ के साथ पूरी हुई, और ये सब फिर आप आगे आपसे आग्रह है, आपसे आग्रह है कि आप फिर पुनः समय देंगे आप, ये विश्वास है, और फिर किसी अच्छे विषय पर फिर अपन चर्चा करेंगे अपने श्रोताओं के तो साथ। ये चर्चा में आप आयोजित करते रहते हैं, तो ये भी एक प्रयास है उस तरह हाँ से कि कम से कम
मिलते जुलते रहें और जी लोग जी बाग अपनी कहें और हम सुने, ये भी सही, एक प्रयास है। बहुत जरूरी, धन्यवाद। ठीक है।